नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। फिर एक्सकवेशन ने कई जो छोटी छोटी प्रतिमाएं जो मस्जिद में कभी नहीं मिलेंगे वो भी उसी टाइम में मिला था, लेकिन ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने कभी माना नहीं इन सब चीजों को। आजाद भारत में अगर कुछ ऐसी घटनाएं याद की जाएं जिन्होंने देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को एक नई ही दिशा दे दी हो, या कहें कि जो देश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई हो, तो 6 दिसंबर 1992 एक ऐसी ही तारीख है जो दिमाग में जरूर कौंधती है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। आखिर 6 दिसंबर 1992 है क्या? क्या इतना ही कि एक मस्जिद जैसा गुंबद, उस पर चढ़े हुए कार सेवक, जय श्री राम के नारे और बस चंद मिनटों में जमींदोज होता ढांचा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बस एक नैरेटिव है। कहानी असल में इतनी छोटी है नहीं। कहानी को पूरा समझने के लिए आपको कई सौ साल पीछे चलना होगा। तो बात शुरू होती है 10वीं सदी से। इस सदी में 3 भव्य राम मंदिरों का निर्माण भारतवर्ष में हुआ। वो 3 जगह थी, त्रिपुरी, राजिम और अयोध्या। 12वीं सदी आते आते अयोध्या का राम मंदिर तुर्क आक्रांताओं द्वारा ढहा दिया गया। फिर 12वीं सदी में ही मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। समय बीतता गया और वर्ष आ पहुंचा 1528। आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय इतिहास का क्रूरतम वर्ष। 2 वर्ष पूर्व यानी 1526 में दिल्ली की गद्दी पर एक शासक बैठा जिसने अपनी भारत विजय का उद्देश्य रखा था जिहाद। जिहाद, ये वही जिहाद है जिसके नाम पर आज भी 8-10 लोग मुंबई में घुसाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए 174 लोगों की जान ले लेते हैं और 300 से ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। और भारत ही क्या, पूरी दुनिया ही जिससे त्रस्त है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इस बात का वर्णन दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रही श्रीमती मीनाक्षी जैन ने अपनी शोध पुस्तक राम एंड अयोध्या में साफ साफ शब्दों में किया है। इस शासक का नाम था बाबर और वह इस रास्ते यानी जिहाद के रास्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी। इतिहासकार लिखते हैं कि 2 वर्षों में काफिरों की 3 इबादत गाहों को यानी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना डाली गईं। सबसे पहले पानीपत की पहली जंग में हुई जीत के जश्न में पानीपत में ही स्थित प्राचीन लक्ष्मी मंदिर को नेस्तनाबूद कर वहां काबुली बाग नाम की एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। अगली मस्जिद भी मंदिर तोड़कर बनवाई गई। जगह थी आज के उत्तर प्रदेश का संभल। बाबर की जिहाद की तैयारी कितनी मजबूत थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संभल में जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई यह वही मंदिर था जहां भगवान विष्णु के कलियुगी अवतार यानी कल्कि अवतार का जन्म स्थान माना गया है। और फिर बाबर ने वो किया जो आज 500 साल बाद भी देश की बहुसंख्यक आबादी को दर्द देता है। उसके सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़ उसी के अवशेषों से मस्जिद जैसा एक ढांचा खड़ा करवा दिया। जी हाँ, ढांचा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से ये पता चलता है कि वहां कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। और अब जो आम तौर पर लोगों की जानकारी में नहीं होता वो ये कि मीर बाकी की सेना से वहां श्रद्धालुओं का 15 दिन तक संघर्ष हुआ, जिसके प्रमाण मिलते हैं 1861 में स्थापित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के लेखों में, जो एक इतिहासकार की हैसियत से ही यह ओहदा पाते हैं। उन्होंने लखनऊ गैजेटियर में लिखा कि इस संघर्ष में लगभग 1,74,000 लोगों की मौत हुई। लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे भाटी नरेश मेहताब सिंह,
हंसवर नरेश रणविजय सिंह और हंसवर के राजगुरु देवीनाथ पांडे। इस लड़ाई का ब्यौरा तुझके बाबरी में भी दिया गया है। 1528 से 1530 तक बाबर के ही काल में राम जन्म स्थान वापस पाने के लिए हिंदू समाज ने 4 बार युद्ध किया और उसके बाद जब 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासन रहा तब उस समय की शासिका रानी जयराज कुमारी ने स्त्री सेना का दल बनाकर भीषण संघर्ष किया। 1556 से 1605 तक जब अकबर का शासन रहा इस दौर में स्वामी बलरामाचार्य का संघर्ष और वीरगति को प्राप्त होना एक कभी न भूली जा सकने वाली घटना है, जिसका परिणाम ये रहा कि अकबर को बीरबल और टोडरमल यानी अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर से राय लेकर भगवान रामलला के लिए एक चबूतरे का निर्माण करवाना पड़ा और वहां पर नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन आया तो बाबा वैष्णवदास गोपाल सिंह और ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने जन्म स्थान की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। ये वही बाबा वैष्णवदास हैं जिनके सहयोग के लिए गुरु गोविंद सिंह स्वयं आए थे और औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ भी दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये समाज हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा बल्कि संघर्ष अनवरत जारी रहा। बहरहाल संघर्षों के बीच वर्षा पहुंचा 1822। इस समय अयोध्या पर अंग्रेजों का शासन था, हालांकि प्रशासन अवध नवाब के ही हाथ में था। यह वर्ष इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह विवाद इसी वर्ष कोर्ट में पहली बार प्रस्तुत हुआ। 1822 में ही पहली बार हफीजुल्ला नाम के कोर्ट अधिकारी द्वारा फैजाबाद कोर्ट में एक नोट दाखिल किया गया जिसमें जिक्र था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर किया गया है। यही वो नोट है जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय देते समय कंसीडर भी किया गया। इस कड़ी में अगला महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1855। यहां पहली बार ऐसा प्रमाण मिलता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ाई हुई हो। अब तक संघर्ष हिंदू बनाम शासक वर्ग था, तो हुआ कुछ यूं कि गुलाम हुसैन नाम के एक सुन्नी नेता ने अपने समर्थकों के साथ जिहाद के लिए इसी परिसर में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर धावा बोलने की तैयारी शुरू कर दी। यहां आपको बताते चलें कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए 6 बीघा जमीन सन 1600 में अकबर द्वारा दी गई थी। बहरहाल ब्रिटिश रेजिडेंट ने अवध नवाब को पत्र लिखा कि स्थिति गंभीर हो इससे पहले संभालिए, लेकिन नवाब कुछ और ही गोटियां सेट करने में लगे रहे। नतीजतन हुआ ये कि यहीं से हिंदू मुस्लिम विवाद की नींव पड़ चुकी थी। बाद में लीपापोती करते हुए यह निर्णय लिया गया कि ढांचे पर एक बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी जिसके अंदर जाने की इजाजत सिर्फ मुसलमानों को ही होगी, जबकि हिंदू इसके बाहर बैठकर पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि रेलिंग लगने से पहले हिंदू समाज के लोग ढांचे में पूजा अर्चना के लिए जाते रहे थे, यानी भले ही अकबर ने राम चबूतरे का निर्माण करा दिया हो लेकिन हिंदुओं की अटूट और अनवरत आस्था यही रही कि प्रभु राम का जन्म स्थान ढांचे का वो गुंबद ही है और इसीलिए कुछ भी करके वो गुंबद में पूजा करने जाते रहे थे। 1855 में ही पहली बार सैन्य बल का प्रयोग किया गया जब आमिर अली नाम के एक और सुन्नी नेता ने फिर से हनुमानगढ़ी मंदिर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार अंग्रेज रेजिडेंट ने नवाब को आदेश देने की भूल नहीं की बल्कि खुद ही एक्शन मोड में आ गए और सेना भेज आमिर अली को मार गिराया गया। जब अयोध्या विवाद पहली बार पुलिस थाने पहुंचा, यह बात 28 नवंबर 1858 की है, जब वहां के मुतवल्ली यानी सुपरिंटेंडेंट के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि 25 निहंग सिखों ने ढांचे में बवाल काट रखा है और हवन पूजा भी की है। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को फिर से एक शिकायत उन्हीं 25 निहंगों के खिलाफ दर्ज हुई। इस बार उन्होंने ढांचे की दीवारों पर कोयले से राम राम लिख दिया था। 1866 में फिर से एक शिकायत हुई कि एक महंत जी ने ढांचे के परिसर में ही एक कोठरी बना ली है ताकि उसमें चुपके से मूर्ति प्रतिष्ठित की जा सके। 1872 में फिर से एक और शिकायत हुई
कि मस्जिद में भगवान की चरण पादुकाएं रख दी गई हैं। हिंदू पक्ष से पहला केस 1885 में दाखिल किया गया, जिसमें महंत रघुवर दास जी फैजाबाद कोर्ट में अपील करते हैं कि हम बाकी महंतों के साथ जिस चबूतरे पर रहते हैं वो खुला हुआ है, धूप सर्दी बारिश की मार हमें सहनी पड़ती है, इसलिए हमें एक त्रिपाल लगाने की इजाजत दे दें। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करती। और इसी तरह धीरे धीरे बात आ पहुंचती है सन 1912 में। इस वर्ष गौकसी की एक घटना के ऊपर अयोध्या में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। नेशनल आर्काइव्स की रिपोर्ट बताती है कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हिंदू समाज इस जगह से कितना गहरा लगाव रखता है। 1934 में फिर से एक बार गौकसी की घटना पर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और 1992 वाला ट्रेलर 1934 में ही दे दिया जाता है, यानी मस्जिद को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। नतीजतन हिंदुओं पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और इसी रुपये से मस्जिद को रिपेयर कराया जाता है। लेकिन कहानी बस इतनी सी भी नहीं है।